बंदे जल्द ही बदलेगा मंजर, झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के अंदर। तुझ में भी वो औकात है, तेरी भी औकात है, लेके सूरज से आग लग जाए जा अपना राग राग। आशा आशा कुछ ऐसा करके दिखा, खुद खुश हो करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, अदाब, वेलकम टू द आरडीडी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उठो जागो, तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। और आज हमारे बीच एक ऐसे पर्सनालिटी जुड़ने वाले हैं जिन्होंने टीवी इंडस्ट्री को एक नया आयाम दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ टीवी एंड फिल्म फेमस डायरेक्टर मिस्टर रंजन कुमार सिंह जी की। रंजन कुमार सिंह जी एक ऐसे सूरज है जिन्होंने न जाने कितने सियारों और सितारों को रोशनी दी है, जिन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 9 times बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड फॉर टीवी, 2 times बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड फॉर फिल्म एंड 22 times बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड फॉर थिएटर एंड मैनी मोर। तो आइए मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट रंजन कुमार सिंह जी से। हेलो, गुड इवनिंग सर। नमस्कार, गुड इवनिंग, नमस्कार। वेलकम टू द आरडीडी शो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि आपकी लाइफ में भी कभी ऐसा मोमेंट आया हो जब आपने कोशिश की हो और हार नहीं मानी हो। हाँ, ये तो सही है, हर किसी के साथ ऐसा होता है, तो लेकिन मैं थोड़ा सा अलग हूँ। मैंने जी. मेरी लाइफ में थोड़ा मिराकल ज्यादा है। मैं सोचता कुछ हूँ, हो जाता कुछ और है। तो मैं इस फील्ड में कैसे आया, कब आया, कुछ ज्यादा सोच समझ के नहीं आया, लेकिन ये है कि जब आ गया, मैं मेरा एडमिशन मिल गया नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में। मैं पहले थिएटर करता था और जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में मेरा एडमिशन मिल गया, उसके बाद फिर तो मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया और फिर लगातार मैं कोशिश करता रहा और फिर एक एक दिन एक एक स्टेज पे चढ़ता गया, एक एक सीढ़ियां चढ़ता गया और पता ही नहीं चला कब यहाँ पहुंच गए। जी, ग्रेट सर। और सर, आप तो इंस्पिरेशन हो, मतलब आपकी जो जर्नी है उसको देख के हम बहुत ही इंस्पायर होते हैं। जिस तरह से आपने बैक टू बैक का हिट सीरियल देते जा रहे हो, हमारे लिए तो मतलब इतनी अच्छी बात है कि आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी आपका थिएटर जो एक्सपीरियंस था, वो एज ए डायरेक्टर आपने काम किया वहाँ या फिर एज ए एक्टर काम किया आपने थिएटर में? इनफैक्ट मैं आपको एक बड़ी अच्छी घटना सुनाता हूँ जो थिएटर के लिए, कि इसके पहले ना मैं फिजिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ, प्योर साइंस से पढ़ाई करता रहा हूँ। थोड़ा मैं गांव में पला हूँ, पटना में बहादुरपुर एक गांव है जिस गांव में मेरी पैदाइश है, और हम राजपूतों की बस्ती है। वहां पे ना शादी ब्याह में शामियाने में नाचने वाली आती है, तो बचपन से उनको देखा मैंने गाते हुए नाचते हुए, और उनको देख करके मेरे मन में इच्छा होती थी कि मैं भी गाऊं। तो मुझे मेरे गांव वाले कोई चाचा हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, दादाजी हैं, उन्होंने कहा बेटा चलो आजा तू भी ये गाना गा, और मैं उस नाचने वाली के साथ बैठ के गाना गाने लगता था। और मैं तो सोचता था वो भी आर्टिस्ट है, मैं भी आर्टिस्ट हूँ, और मैं गाना गाता था और मुझे बड़ी शाबाशी मिलती थी और कुछ लोग कुछ 10-20-50 रुपए भी दे देते थे और मैं बहुत खुश होता था। और घर पे आऊं तो बाबूजी बहुत डांटते थे, कई बार उसके लिए पिटाई भी लगी कि तुम क्या जाके शामियाने में नाचते गाते हो, यही काम है तुम्हारा। तो बहुत डांट वाट लगी, लेकिन मुझे मजा आता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि मेरे भीतर संगीत था। मैं जब मुझे गाना गाना, खास करके लोक संगीत से मैं जुड़ा रहा, तो मैं धीरे धीरे बिहार गवर्नमेंट के कुछ शोज करने लगा,
जैसे बचत योजना, परिवार नियोजन, इस पे कुछ शोज करते थे, अलग अलग जगहों पे जाके गाना गाया करता था, नुक्कड़ नाटक करने लगा। ऐसे ही मैं, मेरा एक दोस्त है, उसकी एक बहन है, वो थिएटर करती थी रंगमंच। मैं रंगमंच से ज्यादा जुड़ा हुआ नहीं था, मैं लोकगीत से जुड़ा हुआ था। तो वो ना उसको एक नाटक देखना था, इनफैक्ट मेरी भी वो अच्छी दोस्त थी, उसको एक नाटक देखना था, वो रो रही थी, तो घर वालों ने उसको ले जाने से मना कर दिया था। तो मैंने कहा चलो मैं ले चलता हूँ तुम्हें नाटक देखने के लिए, और मैं पटना के कालिदास रंगालय में उसको लेके मैं चला गया कालिदास रंगालय। मैं बोला तुम नाटक देख लो, तब तक मैं बाहर गांधी मैदान में बैठता हूँ, और जब तुम नाटक देख लोगी तो मैं तुम्हें वापस लेके जाऊंगा, क्योंकि मुझे नाटक में बहुत ज्यादा रुचि थी नहीं। तो वो नाटक देखने लगी, फिर मुझे क्या सूझा कि चलो यार बाहर बैठने से अच्छा है मैं भी नाटक ही देखूंगा, और मैं नाटक देखने लगा। नाटक देखने के बाद मैंने उससे मजाक में कह दिया यार ये ऐसा नाटक तो मैं भी कर सकता हूँ। उसने मेरे ऊपर बहुत हंसा मजाक उड़ाया, बोलता है बाकी सब करना बहुत आसान है लेकिन नाटक करना बहुत मुश्किल है, नाटक करने के लिए ना बहुत गंभीरता चाहिए, ऐसा कुछ चैलेंज कर दिया। और बस मेरे मन में ये बात बैठ गई और मैं गया और थिएटर बुक कर दिया। और इस बीच में मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं नाटक का ट्रेनिंग भी ले लूं। तो पटना में एक प्रांगण संस्था है, अभय सिन्हा मेरे बड़े भाई जैसे हैं, उनके पास मैं गया, थोड़े दिन मैंने उनके साथ नाटक किया, और इधर मैंने थिएटर हॉल बुक कर दिया। और मैं जाने में 1 अप्रैल, मतलब ये बात हो गई जनवरी 89 की, जब मैं नाटक देखने पहली बार गया था, और 1 अप्रैल को मैंने थिएटर बुक कर दिया, और वहां मैंने अपना एक नाटक प्रेजेंट किया। और मुझे कुछ भी नाटक के बारे में पता नहीं था, इवन ये भी नहीं पता था कि लाइटिंग कैसे की जाती है, स्टेज डिजाइनिंग क्या होता है, बट मैंने एक स्टोरी लिखा और उस पर मैंने एक नाटक किया। और पटना के तमाम अखबार और हिंदी अखबार वालों ने मुझे सर पे उठा लिया और मेरी बड़ी तारीफ की, और बस वही तारीफ इतनी कर दी कि मैं इधर निकल आया और मैं मुंबई पहुंच गया। जी वाओ सर, ग्रेट। और सर आपका जो मुंबई का सफर है, आपका जो फर्स्ट सीरियल था उसके बारे में मैं जानना चाहूंगी, और कैसा एक्सपीरियंस था सर आपका, क्योंकि मुंबई सपनों की नगरी है। जी जी जी, मैं जब मैं जैसा कि मैंने बताया मैं थिएटर कर रहा था, थिएटर से मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में मेरा एडमिशन मिल गया, और मैं वहां पे 3 साल मैंने पढ़ाई किया। और वहां से पढ़ने के बाद मुझे ना ड्रामा स्कूल की एक रेपर्टरी कंपनी है उसमें मुझे नौकरी दे दी गई थी एज ए लाइटिंग चीफ। मैंने 15 दिन नौकरी किया और वो मजा नहीं आया, मैं बोर हो गया, तो मैं बोला मेरे से नहीं होगा, और मैंने जाके हाथ जोड़ लिया और रिजाइन कर दिया, और नेक्स्ट डे मैं मुंबई के लिए निकल आया। उसके पहले जब बैंडिट क्वीन फिल्म बन रही थी उस दौरान मैं ड्रामा स्कूल में था, तो मैं उस फिल्म में एज एन ऑब्जर्वर जाया करता था, तो इस वजह से उस फिल्म की पूरे कास्ट एंड क्रू के साथ मेरा एक अपना रिलेशन था, सबके साथ पहचान थी। तो जैसे ही मैं मुंबई आया तो मेरे बड़े सीनियर हैं और मेरे बड़े भाई जैसे हैं, तिग्मांशु धूलिया, आप उसको जानती हो, तो तिग्मांशु धूलिया से मैं मिला मुंबई में। 1 अगस्त 1995 को मैं मुंबई आया और रात को 2:30 बजे उतरा, और सुबह 7 बजे मैंने 6:30 बजे के आसपास मैंने फोन लगाया तिग्मांशु धूलिया को, वो सो रहे थे, उन्होंने कहा कि रंजन तू आजा मड आइलैंड पे, और मैं किसी तरह से ढूंढते उठते मड आइलैंड पहुंचा और 9 बजे की शूटिंग ज्वाइन किया। तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुंबई पहुंचा और सीधा शूटिंग ज्वाइन किया। एक सीरियल था हम मुंबई ले जाएंगे, ये इनफैक्ट नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की ऊपर कहानी थी, और उसमें जितने भी एक्टर काम कर रहे थे आज सभी स्टार है। देखो इरफान भाई जो गुजर गए पिछले दिनों, वो उसमें हीरो थे, संजय मिश्रा था, मनोज पावा, सौरभ शुक्ला, उसमें जितने भी हमारे एनएसडी के बड़े सीनियर एक्टर सब थे, वो सब के सब आज स्टार। तो वो सीरियल से मैंने करियर शुरू किया, शेखर कपूर साहब का प्रोडक्शन हाउस था और उसी सीरियल से मैंने अपना काम शुरू किया। उसके बाद मैं संजय खान साहब के साथ ज्वाइन कर लिया और मैंने जय हनुमान, मेरा इंडिपेंडेंट एज ए डायरेक्टर पहला शो है जय हनुमान, जिससे मैंने अपने करियर की शुरुआत की। संजय खान साहब ने मुझे एज ए डायरेक्टर अनाउंस कर दिया और 96 में मैं डायरेक्टर बन गया फुल फ्लेज।
ग्रेट सर। और जय हनुमान जी की बात करें तो मतलब वो सीरियल तो हम इतना ज्यादा देखते थे, इवन कि उस टाइम टीवी नहीं होता था तो हम रात को भी उसको देखने जाते थे, और इतना जी मतलब कनेक्टिविटी होती थी, और इतना अच्छा सीरियल जो आपने दिया है, सच में सर ग्रेट। और हमारे साथ जी अभी शर्मा जी जुड़े हैं जी। मैं खुद भी हनुमान जी का भक्त हूँ। ये देखो मेरे गले में हनुमान जी हैं, दिख रहे? अरे वाह सर और आपको मैं सबसे अच्छी बात बताऊं कि मैंने जो शादी जी करी है, जी ऐसा बोलते हैं कि हनुमान जी के मंदिर में होती है शादी, नहीं होती। हनुमान जी स्वयं कंवारे थे तो वहां शादी नहीं होती, बट मैंने ना ब्याह किया जी हनुमान जी के मंदिर में। वाह मैं, मेरी वाइफ जो आज है मेरी, इसके साथ मैंने ब्याह किया हनुमान जी के मंदिर में। और जब मुंबई आया तो मेरे करियर की शुरुआत हुई तो जय हनुमान सीरियल से। और हनुमान जी में मेरी बड़ी आस्था है। उस टाइम का मैं 95-96 की बात कर रहा हूँ, 27 TRP थी और नंबर वन शो था। और सुषमा स्वराज जी, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने संसद भवन में एक जय हनुमान के लिए अनाउंसमेंट किया था कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला शो है। उस जमाने में, उस टाइम में 46 लाख पर आवर हम दूरदर्शन को फीस देते थे। 1,30,00,000 में हम एक एपिसोड देखते थे, इतनी कमाई होती थी। जी और हनुमान जी इतने हिट थे कि मैं क्या बताऊं, मतलब इतना मजा आता था करने में ना। मैंने अपने जीवन में जितनी मेरी चंचलताएं हैं, मेरी उस चंचलताएं मैंने हनुमान जी में डाल दिया और मैंने भरपूर आशा के साथ शूट किया और वो सीरियल नंबर वन हिट हो गया। और वहां से बस मैं पीछे मुड़ के यस नहीं यस देखा। वाओ सर ग्रेट, और बहुत ही अच्छा सीरियल। इवन की जो हनुमान जी के साथ हमारी जी, और जो हनुमान जी के साथ हमारी कनेक्टिविटी वो मतलब पूरी फैमिली देखती थी सर, तो बहुत ही जी अच्छा लगा। और आज ये जानकर भी बहुत खुशी हुई कि आपने उस सीरियल को डायरेक्ट किया है। थैंक यू सो मच सर। और सर आपने बहुत ही हिट सीरियल दिए हैं, बालाजी के लिए काम किया है, नागिन की बात करें, नागिन के ऑल एपिसोड जो कि सुपर हिट हुए हैं, और भी बहुत सारे सीरियल्स हैं, कुमकुम भाग्य, कवच, मैं किन किन के नेम लूं, आपने तो पूरी मतलब टीवी इंडस्ट्री को चेंज कर दिया सर। जी और सर मैं जी जी एकता के साथ जो आपका एक्सपीरियंस रहा है वो मैं जानना चाहूंगी। जी एकता ना, एकता तो मतलब एक वरदान है और एक अवतार है वो इस धरती पे, अद्भुत है वो। मतलब उससे उसको जब जी मैं उससे जब भी हमारी मीटिंग होती है, जब मैं मिलता हूँ तो बस मैं उसको देखता रह जाता हूँ। वो जो भी सोचती है वो हिट हो जाता है, वो जहाँ हाथ रख देती है वो हिट हो जाता है। मतलब इससे ज्यादा मैं क्या बोलूँ कि शायद उसने ही मेरे कंधे पे हाथ रख दिया है, इस वजह से मेरा सब शो हिट हो जाता है। उसकी सोच ना इतनी बेहतरीन है। कई बार वो मतलब ऐसे सोच, मतलब कई बार कई लोग विरोध करते हैं, यार ये नहीं चलेगा, ये तो फ्लॉप हो जाएगा, लेकिन वो भी वो हिट करवा लेती है। उसको पता है कैसे प्रेजेंट करना है चीजों को और मैं बस उसको फॉलो जी करता हूँ। वो जो सोचती है मैं कोशिश करता हूँ कि वो मैं प्रेजेंट करूं, मैं दिखा दूं। और जी मैं 2012 में एकता के साथ जुड़ा हूँ। उसके पहले तो मैं ज्यादा संजय खान साहब के साथ और भी मुंबई के बहुत सारे जो कंपनी है सबके साथ मैं अलग अलग फ्रीलांस करता रहा। 2012 की बात है, जोधा अकबर एक शो था बालाजी का, यस तो यस उसको जी उसको एक दूसरे मेरे मित्र हैं डायरेक्टर, वो कर रहे थे डायरेक्ट, लेकिन कुछ परेशानी हो गई थी इस वजह से डायरेक्टर थोड़े दिन के लिए हटा दिए गए थे। और मुझे इनफैक्ट हायर किया गया बाहर से, चैनल की तरफ से भेजा गया और मैं गया जब कि 15 दिन के लिए आप आके जोधा अकबर संभाल दो। जी तो मैं जोधा अकबर में गया शूटिंग करने। करजत में स्टूडियो में शूट हो रहा था, तो जब 15 दिन के लिए मैं जस्ट गया था कि 15 दिन में फिर उनके डायरेक्टर का सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, फिर वो डायरेक्टर आके शूट करेगा। तो मैं शूट कर रहा था जी तो तभी एक सीक्वेंस था जोधा अकबर का, शॉर्ट फाइटिंग था, तलवारबाजी का, आपने फिल्म में देखी होगी।
वो सीक्वेंस आया शूट करने के लिए, तो एकता जी का मैसेज आया कि ये सीन नए डायरेक्टर से मत शूट करो, और ये ना जब पुराने डायरेक्टर आएंगे तो शूट करेंगे। तो ये बात मुझ तक आई कि ये सीन छोड़ दीजिए, बाकी सीन आप शूट करो, ये मत करो। मैंने कहा ठीक है, बट मुझे ये बात थोड़ा चुभा कि भाई मैं क्यों नहीं, मैं कोई नया तो नहीं, मैं स्थापित डायरेक्टर हूँ। लेकिन लेकिन एकता मैम का ऑर्डर था तो मैं कुछ बोला नहीं, मैं चुप रह गया। फिर कुछ 14 दिन हो गए थे, एक दिन और शूटिंग मेरा बाकी था, 14 था। 14वें दिन रात को 11 बजे एक प्रोडक्शन वाला आता है और कहता है कि सर वो सीन अब टेलीकास्ट पे आ गया है, तो कल आपको वो सीन शूट करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, मैं तो करूंगा, मेरा तो काम है। और जी वो पिछली बात मेरे दिल पे लगी हुई थी, मैं रात भर सोया नहीं, मैं रात को ही जोधा अकबर फिल्म देखा 2-3 बार, उस सीक्वेंस को देखा तलवारबाजी का, और मैंने ये तय कर लिया कि चाहे जो हो जाए इस सीक्वेंस से बेहतर मैं शूट करूंगा। फाइट मास्टर को बुलाया, रात भर में टेलर मास्टर को उठाया, 40-50 पर्दे सिलवा लिए, पूरे स्टूडियो को नया कलर करवाया, बहुत सा काम मैंने रातों रात करवाया, पूरी रात मैं सोया नहीं। और सुबह 9 बजे की शिफ्ट में फाइट मास्टर आया जरूर, लेकिन मैंने उसको एक भी शॉट लेने नहीं दिया। मैंने कहा सब मैं करूंगा, मैं जो बताऊंगा उतना ही करो, उससे ज्यादा मुझे चाहिए नहीं। और मैं पूरा एक कोरियोग्राफी किया, एक पूरा एक शॉट टू शॉट प्लान करके शूट किया। शाम को कुछ 4-4:30 बजे सीक्वेंस खत्म हुआ, 6 बजे मैं वहां से निकल गया और मैं मुंबई आ गया। मेरा लास्ट डे था, शूटिंग खत्म हुई और मैं वापिस, मेरा शो था एक सावित्री, वो शो मैं करने लगा। जी, 4 दिन के बाद वो सीन टेलीकास्ट हुआ। टेलीकास्ट के तुरंत बाद मुझे बालाजी से फोन आया, जो क्रिएटिव है हमारी, उसका कि सर एकता जी आपसे मिलना चाहती है। तो मैंने कहा क्यों, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया? अब डर लगता था कि पता नहीं कुछ गड़बड़ हो तो वो डांटेगी क्या। तो कहीं नहीं, आपका आपका शूट किया हुआ सीन आपको एकता को बहुत अच्छा लगा है, तो आपसे मिलना चाहती है। तो मैंने कहा ठीक है। तो बोली अभी आ जाओ। तो मैंने कहा अभी तो मैं शूटिंग कर रहा हूँ और छोड़ के कैसे आता हूँ। तो बोली अरे सर एकता के लिए तो कोई भी छोड़ देता है। मैंने कहा देखो मैं भी छोड़ देता, लेकिन अभी मेरे बिना शूट नहीं हो पाएगा, तो मुझे तो रहना बहुत जरूरी है, किसी बहुत नुकसान हो जाएगा। आप ऐसा करो मैम से पूछ लो, रात को पैकअप के बाद मैं आ जाता हूँ, मैं नायगांव में शूटिंग करता हूँ, 2 घंटे आने में लगेंगे, तो 9 बजे पैकअप होगा, 11 बजे तक मैं आ जाऊंगा। तो उसने कहा कि ठीक है आप, मैं बात कर लेती हूँ फिर बताती हूँ। थोड़ी देर में फोन आया कि आपको 12 बजे मीटिंग है रात को। मैंने कहा ठीक है, मैं पैकअप हुआ, मैं घर गया, थोड़ा नहाया वहाया और मैं पहुंच गया राइट टाइम। मैं बड़ा टाइम का पंक्चुअल हूँ, ठीक 12 बजे मैं वहाँ ऑफिस में पहुंच गया, 5 माले पे एकता गुरु की ऑफिस में। और 2.5 घंटे मैं इंतजार किया, 2:30 बजे रात को एकता फ्री हुई और फिर बुलाई केबिन में, और मैं बैठा हुआ था। एक अद्भुत एक स्पेशल ऑफिस था जहां बहुत सारे कुछ 500 भगवान बैठे हुए थे, बहुत सारी मूर्तियां रखी हुई थी। मैं पहली बार एकता कपूर से मिल रहा था, पहला तो उसका जो अंदाज है वही वही इतना आकर्षित करता है कि जो भी उसको देखता है उससे हिप्नोटाइज हो जाता है। तो मैं उनको दिखा और मैं जैसे खो ही गया। फिर उन्होंने कहा कि वो सीन आपने शूट किया था? मैंने कहा जी। तो बोलती है आप मेरे लिए काम करेंगे? मैंने कहा मुझे खुशी होगी। ठीक है जाइए, बस इतनी सी बात हुई और मुझे भेज दी। तो मैं उठ गया, मैं इंजन में उठा, यार कुछ बताई तो नहीं। तो मैं गेट पे आके फिर रुक गया। मैंने कहा मैम इतना करना कि आप मुझे जो भी शो देना प्लीज न्यू शो देना, कोई पुराने शो में मत डालना, मैं भी एक बार अपने आप को साबित करना चाहता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो स्माइल की ओके और मुझे मैं चला आया। 1 महीने के बाद मुझे नया शो दी, ये है मोहब्बत। और ये है मोहब्बत से मैंने बालाजी में फुल फ्लेज्ड एंट्री लिया। अब बालाजी का अपना सेटअप है, पूरी टीम थी, सब लोग थे, मैं बाहर से आया था तो सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। कोई बोलता है ये तो 4 दिन नहीं टिकेगा, भाग जाएगा, ये क्या शूटिंग करेगा, ऐसा करेगा ऐसा करेगा, सब लोग ने बहुत सारी बातें की, लेकिन मैं हार नहीं माना। मुझे बहुत क्रिएटिव लोग आए, बोले ऐसा करना ऐसा करना वैसा करना। मैंने कहा करूंगा तो वही जो मुझे समझ में आता है।
और मैंने वही किया जो मुझे समझ में आता है। मैंने कहा एकता जी ने मुझे बुलाया है तो वो मेरी सोच से प्रभावित हुई है, ना कि किसी और चीज से, तो मैं अपनी सोच को क्यों इधर उधर करूं। yes. और मैंने right, मोहब्बते को मैंने डॉक्यूमेंट्री की तरह शूट किया, और मैं जी. सारी टेकिंग वेकिंग को एकदम साइड में कर दिया, परफॉर्मेंस को मैंने बहुत हाईलाइट किया, एक्ट्रेस पे मैंने बहुत मेहनत किया, और वो शो जो जी. रात को 11 बजे दिसंबर के महीने में शुरू हुआ था वो शो हिट हो गया। छह साल चला, और वहां से मेरी जर्नी शुरू होती बालाजी में। उसके बाद से फिर मैं बालाजी में पीछे मुड़के नहीं देखा, हर अगला शो मैं सेटअप कर रहा था। ग्रेट सर, क्योंकि जो ये है मोहब्बतें इतना अच्छा सीरियल है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है सर वो सीरियल, और जो आपने उस सीरियल को इतना खूबसूरत बनाया है, क्योंकि डायरेक्टर का जो मेन डायरेक्शन देता है वो क्रेडिट आपको जाता है सर, और हम लोग जितने भी करेक्टर थे उनको इतना मतलब माइंड में अभी तक वो चला हुआ है, ये है मोहब्बतें। और भी सर आपने बहुत सारे शोज किए हैं, चंद्रकांता की बात करें वो भी बहुत ही अच्छा शो रहा है, और बालिका वधू भी बहुत ही हिट शो रहा है सर, क्योंकि आई थिंक अभी बालिका वधू फिर से आ रहा है सर। आई थिंक जी मेरे बहुत सारे शो, 2-3 शो रिपीट टेलीकास्ट चल रहा है, मोहब्बते भी चल रहा है, कसम भी चल रहा है, बहुत सारे शो है। बालिका वधू में मैं बहुत ज्यादा तो नहीं काम किया, थोड़े दिन ही किया था, बट बहुत मजा आया था शुरुआती दौर में, क्योंकि उनका एक शो था सेम कंपनी का तेरे मेरे सपने, वो मैंने फुल फ्लेज्ड किया था बिगिनिंग टू एंड, और उसी दौरान मुझे उन्होंने बालिका वधू में बुला के, और मुझे कि कुछ दिन बालिका वधू में कराओ, डायरेक्टर को देखेंगे कैसा करते हैं, क्योंकि बालिका वधू सेटल शो है, उसके बाद इनको नया शो दे देंगे। तो मैंने बालिका वधू कुछ दिनों किया था, और उसके बाद मुझे तेरे मेरे सपने न्यू शो मिल गया था, और मैं वो शो शाकस के लिए किया था। जी यस सर, और सर मैं आपकी जो आप सेट पे मस्तियां करते हैं, मैं एक वीडियो दिखाना चाहूंगी सर आपको। जी जी सर जी, ये ना मैं नागिन 5 स्टार्ट हुआ था उस दौरान का ये वीडियो है, और मैं अब मेरा जो हीरो था उसको थोड़ा थोड़ा नेगेटिविटी चाहिए था उसके अंदर, और थोड़ा मस्ती चाहिए था, तो ऐसा एक सीन में शूट कर रहा था, तो उसको मैं करके बता रहा था वो कैसे घोड़े पे चढ़ते हैं, और इंसान को घोड़ा बनाना है, उस पे चढ़ना है, कैसे चढ़ेंगे देखो, और वो इतना खुश हुआ, बहुत मजे लेके उसने भी किया था, और मैंने एक पूरा गाना पिक्चराइज किया था इसके ऊपर। धीरज धूपर मेरा एक्टर था, और धीरज के साथ मैंने ये सीन शूट किया था, और हिना खान जी थी, दोनों के साथ किया था ये सीन। जी जी वाह सर ग्रेट, और भी मेरे पास कुछ क्लिप्स है, और बहुत जी। 1, 2, 3 एक्शन। धीरे धीरे चल, और ऊपर और ना निकले, डंडा निकल गया फिर। ये कौन लगा था डंडा? अबे तुम लोग चुप लोग, मेरा नहीं निकलेगा, मैं निकाल लगा दूंगा। जी सर जी, सर सेटअप की बात करें तो, और जो हमारे साथ ऑडियंस जुड़े हैं उनको भी मैं थैंक यू कहना चाहूंगी, थैंक यू सो मच एवरीवन। अवी शर्मा जुड़े हैं जो कि बहुत ही टैलेंटेड बच्चा है, 11 इयर्स की एज में बाल्मीकि रामायण लिखी है। विशाल कुमार, विशाल जी एक कवि है, थैंक यू सो मच। शशि जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अनिता जी थैंक यू सो मच एवरीवन। और सर बात करें सेटअप की तो मुझे कई लोगों के फॉन्ट भी आए कि ये सेटअप क्या होता है, सेटअप डायरेक्टर के बारे में जानना चाहेंगे सर। देखो जब से ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड आया है तब से ना शो जो बनता है, कोई भी शो बनता है ना,
तो उसमें एक सेटअप डायरेक्टर ढूंढा जाता है। सेटअप डायरेक्टर का मतलब जो शो की बिगनिंग करेगा, यानी शो के शुरू के 3-4 महीने बड़े क्रूशियल होते हैं। उसमें क्या होता है, नए एक्टर उसके साथ करेक्टरेशन करना, उनके ऊपर वर्कआउट करना, तैयारी करना, और बहुत सारा प्लानिंग होती है, सेट डिजाइन, कॉस्ट्यूम डिजाइन, ज्वेलरी डिजाइन, सबके साथ जुड़ना, स्क्रिप्ट में बैठना, राइटर्स टीम के साथ बैठना, क्रिएटिव टीम के साथ बैठना, काफी डिस्कशन के बाद एक शो तैयार होता है। तो वो बहुत मेहनत का काम होता है और ये सब लोग नहीं करते। कुछ लोग जो सीनियर है, जो एस्टैब्लिश है, जिनको एक्सपीरियंस है, वही ये काम करते हैं। तो मैं सेटअप डायरेक्टर हूँ, यानी मैं नए शो को सेट करता हूँ। यानी कोई भी नया शो आएगा तो उसके एक्टर को ट्रेनिंग देकर अपने कैरेक्टर में डालना टफ जॉब होता है। देखो, एक बना बनाया शो है, मैं 4 महीने के बाद करूंगा, हो सकता है कि मेरा असिस्टेंट बाद में वो डायरेक्ट कर ले और बहुत आसानी से कर लेगा, क्योंकि एक्टर तब तक मंज गए होते हैं और एक्टर बड़े आसानी से फिर अपना सीन करता है। डायरेक्टर को केवल कैमरा लगाना है, ज्यादा मेहनत नहीं करना है। लेकिन शुरुआत में एक फैमिली बनती है, तो फादर कौन है, मदर कौन है, आंटी कौन है, भाभी कौन है, पूरे रिश्तों को बांधना, एक दूसरे के साथ जोड़ना, आर्ट डायरेक्टर के साथ सेट को डिजाइन करना, क्रिएटिव के साथ बात कर करके कई बार एकता क्या चाहती है उनकी सोच को भी पोर्ट्रेट करना है, क्रिएटिव क्या चाहते हैं उनकी सोच को पोर्ट्रेट करना है, राइटर क्या चाहते हैं, सबको मिला करके एक नई चीज बनती है। तो ये काम सेटअप डायरेक्टर का होता है, यानी कि शो को सेट करना। वाओ सर, ग्रेट सर। और सर, आपने जो सीरियल हमें दिए है और सेटअप किया है, बहुत ही अच्छा किया है सर, क्योंकि इतने सारे सीरियल्स जितने भी बालाजी के हैं, आई थिंक सभी सुपर हिट जो जिनकी टीआरपी बहुत ही मतलब सबसे ज्यादा रही है, तो उसका क्रेडिट आपको ही जाता है सर। और सच में मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है आज आपसे सीख कर, जान कर आपकी जर्नी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, और जो हमारे ऑडियंस है उन्हें भी बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। एंड कमेंट भी पढ़ सकते हो सर, बीच बीच में मैं कमेंट भी दिखाती रहूंगी। और सर, आपकी जर्नी के बारे में तो हमने जान लिया सर, और आप जो स्टेज सॉरी आप एक्टर के साथ जो मस्तियां करते हैं, और मैंने आपके काफी वीडियोस भी देखे हैं, बहुत ज्यादा मस्तियां होती है एक्टर के साथ और बहुत प्यार करते हैं आपसे सर, तो एक मैं वीडियो और दिखाना चाहूंगी आपको। जी बजा, तालियां बजाओ। Don't worry, everything is gonna be so good in your life now. This is just the beginning. और अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। सर आप क्यों रो रहे हो? जी सेट पे ना, देखो क्या होता है, मैं एज ए टीचर, एज ए फादर काम करता हूँ, और जो 3-4 महीने मैं काम करता हूँ उसमें एक्टर्स को एकदम जीरो से स्टार्ट करता हूँ और एकदम धीरे धीरे बड़ी बारीकी से कैरेक्टर में लेके आता हूँ। एक्टर्स को बहुत मोटिवेट करना होता है, एक्टर को हिप्नोटाइज करना होता है, उसके अंदर घुसना होता है, खाली खुद को थोपना नहीं होता, उसके अंदर की चीजों को बाहर निकालना भी होता है, और ऐसे में एक रिश्ता बनता है एक्टर और डायरेक्टर के बीच, और वो रिश्ता बड़ा बारीक होता है। और जब हम शो छोड़ के जाते हैं या शो से वो जाती है या मैं जाता हूँ या फिर शो बंद होता है, तो एक इमोशनल अटैचमेंट होता है, रोने लगते हैं। कई बार 3-4 महीने करके मैं जब शो छोड़ के दूसरे शो में शिफ्ट होता हूँ तो सारे एक्टर रोते हैं, ऐसा जैसे किसी बेटी की विदाई हो रही हो, और सब गले मिलते हैं, हग करते हैं, बहुत सा चिट्ठियां लिखते हैं, कार्ड देते हैं, बहुत सारे गिफ्ट लोग देते हैं, जो मतलब आज भी मेरे घर में पड़ा हुआ है, बहुत पुरानी बातें सब लिखी हुई। तो ये तो एक बड़ा ही इमोशनल जर्नी होता है काम करने में।
और मैं खास करके अपने बच्चों की तरह उनसे प्यार करता हूँ। मैं कभी ये नहीं सोचता कि वो खाली एक्टर है। क्या होता है ना, एक्टर एक दूसरी दुनिया से आता है, उसको ना अपनी दुनिया में लाना थोड़ा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि एक्टर जब आता है तो वो बहुत सारी चीजों को अपनी दुनिया अपने तरीके से सोचता है। और मेरे पास 20 एक्टर है या 25 एक्टर है, सब अलग अलग स्टेट से आए हैं, अलग अलग जगह से आए हैं, सबकी सोच अलग अलग है। बट मुझे तो एक शो में फैमिली बनानी है, तो मुझे सबको एक टास्क में डालना है कि एक फैमिली है, ये पुराना फैमिली है या गुप्ता फैमिली है, जो भी है, तो उसमें शामिल डालने के लिए मुझे सबको एक सुर में लाना होता है कि तू इनकी बेटी है, तुम भाभी हो, तुम माँ हो, तुम फादर हो, तुम दादाजी हो, ये हो। तो उनके बीच में एक रिश्ता बनाने के लिए मुझे भी उन रिश्तों में घुसना होता है। तो मैं सेट पे ना मदर को माँ को माँ बुलाता हूँ, फादर को पापा बोलता हूँ, भाभी को भाभी बोल के बुलाता हूँ, ताकि बार बार बोलने से ना फिर वो खुद ही उस कैरेक्टर में शामिल होने लगते हैं। कहते हैं ना, बार बार उनको वो चीज को उनके ऊपर डालता रहता हूँ। और दूसरा, एक्टिंग में जो सबसे बड़ी बात जो जहां पे होता है कि एक्टर जब रूम से निकल के आता है, मेकअप रूम से पहली बार, और मेरे से मिलता है, तो वो अपने तरीके से सीन को सोचता है और वो सोच के कमरे से आता है और सेट पे आता है, तो फिर मैं उसको अपना इनपुट देता हूँ। तो मेरे लिए वो बड़ा टफ जॉब होता है कि एक एक्टर के इनपुट से बेहतर इनपुट मेरा होना चाहिए, कि एक्टर को लगना चाहिए कि मेरा डायरेक्टर मेरे से बेहतर सोचता है, मेरा डायरेक्टर ने मेरे से जो काम कराया वो जो इतना मैंने सोचा था उससे बढ़िया करवाया। तो फिर वो एक्टर ना मेरे से हिप्नोटाइज होता है, कहता है यार मेरा डायरेक्टर ने क्या सोचा, मैंने तो सोचा ही नहीं था ऐसा। जब उसको ये लगने लगता है कि मेरा डायरेक्टर तो यार मेरे से अच्छा सोचता है, फिर मैं उसको जो बोलूंगा ना वो मानेगा, फिर मैं उसको जो कहूंगा दिन को रात कहूंगा तो वो रात कहेगा, क्योंकि वो उसको पता लग गया है कि मेरा डायरेक्टर बहुत अच्छा सोचता है। तो सबसे पहले मेरी परीक्षा होती है, हर आदमी के दिल में समाना होता है कि उसके अंदर मैं घुस जाऊं और फिर वो जैसा मैं कहूं वैसा करे। तो मैं ना उसको हिप्नोटाइज करता हूं। मैं सीन में ना, आप गौर से कभी देखोगी मेरे कुछ फुटेज को, मैं एक्शन भी बोलता हूं ना, तो हर सीन के लिए अलग एक्शन होता है। कि अगर कोई रोमांटिक सीन चल रहा है तो मैं बोलूंगा एक्शन, और कोई एक्शन फाइट चल रहा है मैं बोलूंगा एक्शन। तो ये मेरे अंदाज भी बदलते हैं और एक्टर का सुर बदलता है, क्योंकि वो वैसे ही है जैसे आप म्यूजिक में गाना गाते हो तो कहते हो कौन से सुर से गाएंगे, किस काली से गाएंगे, किस नोट से गाएंगे। तो वो नोट मैं देता हूँ एक्टर को, और मैं एक्टर को जैसा मैं एक्शन बोलूंगा वो वैसा ही एक्टिंग करेगा। एक ही सीन में मैं अगर एक्शन तेजी से बोल दूं तो वो तेजी से करेगा, उसका पेस बढ़ जाएगा, और मैं धीरे बोलूंगा तो उसका पेस स्लो हो जाएगा। तो मैं रिमोट कंट्रोल बन जाता हूँ और मैं उनको अपने तरीके से फिर हैंडल करता हूँ। वाओ सर, ग्रेट सर। और वैसे सर अभी एक क्वेश्चन भी आया है आपके लिए, आप फैमिली को कैसे टाइम देते हैं सर, बिकॉज यू आर ऑलवेज बिजी। हाँ, शुरुआती दौर में थोड़ी परेशानी हुई थी, जब मैं मुंबई आया था तो मैं और मेरी वाइफ, मेरे दो बच्चे हैं, मेरा एक बेटा और एक मेरी बेटी, तो मैंने मुंबई जब आया तो पहले 11 महीने तो मैं अकेला ही रहा, क्योंकि मुझे हिम्मत नहीं था कि मैं फैमिली को लाऊं। 11 महीने के बाद मेरी वाइफ प्रीति नाम है उसका, उसको मैं ले आया मुंबई से यहाँ, और मैं मेरा बेटा है प्रीतांजन, उसको भी मैं लेके आ गया। मेरी बिटिया को मैं नहीं लाया, बिटिया को मैंने, एक साल की थी वो, उसको नानी के पास छोड़ा। मैंने कहा दो बच्चों को संभालना थोड़ा मुश्किल होगा, तो पहला 11 महीने खाली मेरा बेटा, मैं और मेरी वाइफ, तीन लोग यहाँ थे। और मैं आउटडोर शूटिंग करता था उमरगांव में और जयपुर में। संजय खान साहब का जितना शो चलता था वो उमरगांव में या फिर जयपुर में, तो मैं वहीं रहता था। जयपुर में जब शूटिंग होती थी तो मैंने खान साहब से ऐसा टाइप किया हुआ था कि भाई जब मैं शूटिंग करूंगा तो हर फ्राइडे को मेरी फैमिली मुझे जयपुर में चाहिए। और तो मेरी बेटी भी फिर आ गई थी 11 महीने के बाद, तो मेरा बेटा, बेटी और मेरी वाइफ, तीनों जटिया रेस
पकड़ के और आते थे फ्राइडे को जयपुर, और मंडे की मॉर्निंग वापस आते थे मुंबई, और मॉर्निंग में वो बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना होता था तो एयरपोर्ट से सीधा स्कूल छोड़ते थे, और फ्राइडे को स्कूल से सीधा एयरपोर्ट निकलते थे। तो ऐसे करके मैं 9 साल तो मैं बाहर रहा आउटडोर, तो 2 दिन यानी सैटरडे संडे में फैमिली से मिलता था और बाकी दिन फैमिली मुंबई में होती थी, बच्चों का एजुकेशन चल रहा था। बाद में फिर 9 साल के बाद फिर मैं मुंबई में शूटिंग करने लगा, फिर मेरे बच्चे थोड़ा धीरे धीरे बड़े होने लगे थे, फिर तो घर में मेरी जरूरत थी, फिर धीरे धीरे मैं घर में रहने लगा, फिर मैं मुंबई से बाहर का काम लेना बंद कर दिया। अभी मैं मुंबई से बाहर का काम नहीं के बराबर, कभी बहुत इमरजेंसी हो तो करता हूँ, नहीं तो नहीं करता हूँ। इवन मैं नाइट शूट भी अवॉइड करता हूँ, अगर नाइट सीन है तो मैं दिन में ही नाइट का इफेक्ट करके शूट करता हूँ और नाइट शूटिंग नहीं करता हूँ, क्योंकि रात को मुझे अपने घर पे अपनी फैमिली के साथ बिताना अच्छा लगता है और घर में रहना मुझे पसंद है। जैसे अभी भी मैं छुट्टियां ले रखी है मैंने शूटिंग से, क्योंकि मैं लगातार 2 साल शूट कर रहा था, तो नागिन 5 बंद हुआ तो मैंने छुट्टी ली, मैंने कहा थोड़ा मैं घर फैमिली लाइफ बिताऊंगा, और पूरी फैमिली को लेके मैं चला गया साउथ में घूमने के लिए, 20-22 दिन उधर घूमा, फिर मुंबई में आया हूँ। अभी मुंबई में घर पे हूँ तो किचन में थोड़ा काम करता हूँ, घर का काम करता हूँ, थोड़ा प्लम्बिंग करता हूँ, थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी का काम करता हूँ, सब काम घर का थोड़ा थोड़ा। वाओ सर, ग्रेट। और सर आप गाना भी बहुत अच्छा गाते हो, मैंने आपका गाना सुना था तो हम सुनना चाहेंगे सर आपसे, क्योंकि जब आपका नागिन का लास्ट सीन था आई थिंक उस टाइम आपने एक गाना गाया था तो हम सुनना मैं चाहेंगे। तो हमेशा सेट पे ना मेरे पास मैक्सिमम एक्टर्स जो होते हैं वो सिंगर होते हैं, और तो मैं ना सेट पे कभी कभी शूटिंग का माहौल बनाने के सब एक्टर को बुलाता हूँ, मतलब शूटिंग आज बंद करो पहले गाना गाते हैं, और हम लोग सब लोग गाना गाते हैं, तो पहले सब एक्टरों को चांस देता हूँ, सब गाते हैं, फिर मैं भी थोड़ा बहुत गाता हूँ, और एक्ट्रेस को बोलता हूँ कि तुम लोग कोरस गाओ, तो मैं उनके साथ गाना गाता हूँ और उनके साथ मस्ती करता रहता हूँ। वैसे मैं ज्यादा लोकगीत गाना पसंद करता हूँ, बिहार के फोक सॉन्ग मैं ज्यादा गाता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ रंगमंच के गाने सुनाऊंगा जो आपको मुझे लगता है कि अच्छा लगेगा और दर्शकों को भी अच्छा लगेगा। एक मेरा नाटक था थंबालू जो मैंने मणिपुर में किया था, उस नाटक के कुछ गाने आपको सुनाता हूँ जो बहुत अच्छा लगेगा, एक पोएट्री की तरह है। बचपन का साथी बेचारा पंछी, पंछी का चेहरा नहीं है देखा, कहीं बहेलिए ने पकड़ तो नहीं लिया, सोच मेरा कितना दुखी, बचपन का साथी बेचारा पंछी, पंछी का चेहरा नहीं है देखा। क्या बात। मैं ऐसे ऐसे कुछ गाने नाटकों में ज्यादा मैं अंधायुग वगैरह में कोरस में गाया करता था। एक बहुत ही फेमस नाटक था जसमा उड़न का एक गाना भी मैं गाता था, वो मैं आपको 2-3 लाइन सुनाता हूँ। यस यस। लाल बैरागन बन जाऊं रे जोगी के कारण, लाल बैरागन बन जाऊं जोगी के कारण, लाल बैरागन बन जाऊं नदिया किनारे जोगी धुनिया रमावे, तब मैं पनिया भरने चली जाऊं जोगी के कारण, लाल बैरागन बन जाऊं जोगी के कारण, लाल बैरागन बन जाऊं।
वाओ सर, नमन आपको। और हमारे साथ चांदर सर भी जुड़ चुके हैं। वो कह रहे हैं जय हनुमान के शूट पर भी आप जी जी गाने जी गाते थे। जी चांदर सर को मेरे इज अ बड़े अच्छे ग्रेट मित्र हैं पर्सनालिटी। और बहुत अच्छे एक्टर हैं, और उन्होंने जो रोल किया था मैं आज भी भूल नहीं पाता हूँ। बेहतरीन रोल किया था उन्होंने, तो मैं तो जी उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, चांदर सर नमस्कार। बहुत अच्छे एक्टर हैं आप, बहुत बेहतरीन इंसान हैं आप, मुझे बहुत प्यार दिया है आपने। जी बहुत ही अच्छे हैं सर। और सर आप भी बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी हो, और मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी सर बहुत ही हेल्पफुल है, और जितने भी छोटे शहर से जाते हैं तो उनकी बहुत ही हेल्प करते हैं सर। और आपने एक्टर की भी इतनी हेल्प की है सर, सच में सैल्यूट टू यू सर। आप थैंक जैसे यू थैंक यू। पर्सनालिटी हमारे देश में है तो हमें गर्व फील होता है सर। जी थैंक यू थैंक यू। जी सर। और सर मैं आपको एक वीडियो और दिखाना चाहूंगी, आपके शूट का ही है, मस्ती वाला। आई जी लिखी में डाल। अरे आई लव यू मैन। पीछे की सीट पे है ना लिखी। सर कुछ कुछ भी, दो शब्द। खुश तो बहुत हो गए आप। बहुत ज्यादा। नाम तो सुना ही है, बंदे को शेर खान कहते हैं। ये ओ नूडल्स नूडल्स, ये इधर इधर। ओ ये लोग सब पिकनिक के मूड में है, साथ ही माहौल चेंज हो गया ना। अभी इधर पीके से अभी यो यो मैन। जी सर बहुत बहुत ही मजेदार था मस्तियां ये। करते हो सर। हम लोग जैसलमेर में शूटिंग कर रहे थे, नागी थोड़ा बिन शूट कर रहे थे उस समय। मेरे सारे एक्टर्स बहुत मस्ती कर रहे थे जैसलमेर पे। हम लोग सेट पे शूट कर रहे थे वहां पे ड्यून्स में, जी तो बड़ा मस्ती वाला टाइम था उस समय। डे नाइट वहां काम चल रहा था। जी वाह सर, ग्रेट। क्योंकि सर मैं आपके पोस्ट भी देख रही थी, और जो हिना खान एंड बहुत सारे जो एक्टर है, शरद मल्होत्रा, सभी आपको इतना प्यार करते हैं सर। रश्मि देसाई, तो उनके मैं कमेंट देख रही थी तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था कि आप सभी को सपोर्ट करती हो, और ना जाने कितने सितारों को रोशनी दी है सर। हम जो स्टार को देखते हैं लेकिन जो उनको बनाने वाला होता है वो तो आप है सर। आपने नागिन के जितने भी सीरियल है, ये सीजन हुए हैं, इतने हिट सीरियल रहे हैं सर, तो आपको सच में सल्यूट टू यू सर। आपने हमें, क्योंकि हमें आप जी मेरे कुछ 87 शोज हो गए, और मैं बहुत जल्दी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ जाऊंगा थोड़े दिनों में। और वाह सर, अब इतना काम करके एक्टर्स के साथ मेरा जो एक रिलेशन है, मैंने पहले ही कहा ना कि एज ए फादर मैं काम करता हूँ। तो जब कोई ईगो नहीं होता है आपके भीतर, और जब मैं सोच लेता हूँ बस मेरे हीरो हीरो कौन, मैं कमर्शियल सिनेमा का आदमी हूँ, हीरो कौन, जो मेरे सपने में आए हीरोइन, वो जो मेरे सपने में आए। तो मैं हीरो को एक ड्रीम बॉय और हीरोइन को एक ड्रीम गर्ल की तरह सोचता हूँ, और सबसे पहला जी प्यार मैं उनसे मैं करता हूँ। क्योंकि मैं प्यार करूंगा तभी दुनिया करेगी, फिर ऑडियंस भी करने लगेगी। तो पहला तो मैं अपने हीरो जी हीरोइन से मोहब्बत, हीरो हीरोइन से मोहब्बत करने लगता हूँ, और मैं बेमतहा मोहब्बत जी करता हूँ। उनकी छोटी छोटी चाहतों को मैं पूरा करने की कोशिश करता हूँ, उनकी हर बात को, इच्छाओं को मैं चाहता हूँ। उसके अंदर कोई दबाव नहीं हो, प्रेशर में काम ना करे, उसको मजा आना चाहिए, और वो आए और दीवानगी में काम करे। सीन कितनी देर में होगा इम्पोर्टेंट नहीं है, कैसे होगा, जी कब हो जाएगा, जादू की तरह निकल जाएगा, ये इम्पोर्टेंट है। तो एक्टर्स को मोटिवेट करना मेरा काम है, मैं डायरेक्टर से ज्यादा मोटिवेटर होता हूँ कि एक्टर को जस्ट मोटिवेट करो कि वो क्या ना, वो सीन करना कोई भी कर लेता है, बट वो जो आत्मा है जी ना वो भरना बहुत मुश्किल होता है। और आत्मा लाने के लिए सेट का माहौल बहुत ही रिलैक्स, बहुत अच्छा, बहुत मस्ती वाला होना चाहिए, तो आत्मा आ जाती है, चीजें सच्चा लगने लगता है, आपको सब कुछ सच सच जैसा दिखेगा। तो सच का भ्रम जी पैदा करना होता है मुझे। जी ग्रेट सर। और सर आपने मूवीज भी की है, उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। जी
जिन्हें जी मैं ना ज्यादा तो टीवी सीरीज या लेकिन बीच बीच में मैं बिहार का रहने वाला हूँ और मुझे मूवी करने का शौक है, तो मैं ना थोड़ा अपने आप को तैयार करने के लिए मैंने कहा कि कुछ रीजनल सिनेमा पे तब तक काम करता हूँ, हिंदी सिनेमा बनाने के लिए मैं खुद को थोड़ा तैयार कर लूँ। तो मैंने कुछ 8 रीजनल मूवी बनाई है और अब खुद ही मैंने कुछ स्क्रिप्ट लिखा और उस पर काम किया और उस पर मैंने फिल्म बनाई और सौभाग्य से मुझे लगभग सभी फिल्मों के लिए बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला है। तो कई बार मैंने बहुत सारे अवार्ड जीते। मैंने फिरंगी दुनिया मेरी एक पहली मूवी थी जो मेरे गांव में ना, मैं जिस गांव का रहने वाला हूँ उस गांव में बहादुरपुर गांव का नाम है मेरा, वहां के एक मेरे गांव के लड़के ने जो लंदन पढ़ने गया था वहां से लौटा तो उसने एक अंग्रेजन से ब्याह कर लिया, तो वो लौट के आया तो हम लोग, मैं बहुत छोटा था उस दौरान 7 साल का होऊंगा, तो मैं भाग के गया देखने के लिए कि दूल्हन क्या सच में बहुत गोरी है, क्या उसकी आंखें भूरी हैं, क्या उसके बाल भी भूरे हैं, तो ये देखने के लिए मैं गया था। तो वो विजन मेरे दिमाग से निकला नहीं और मैंने वो फिल्म बना ली फिरंगी दुल्हनिया, जिस फिल्म के बहुत सारे लैंग्वेज में बहुत लोगों ने बनाया। मराठी में वही फिल्म बनी फॉर्चून डोरी के नाम से, राजस्थानी में बनी, पंजाबी में बनी, मेरी फिल्म का रीमेक भी बना और उस फिल्म के लिए मुझे बहुत सारे अवार्ड मिले और बहुत सारे सम्मान मिले। जयंतीलाल गार्डन साहब ने मुझे इतनी इज्जत दी, मेरी फिल्म को पहली बार जी सिनेमा पे कोई रीजनल सिनेमा को टेलीकास्ट किया गया, अब तो होता है बट उस दौरान पहली मूवी थी फिरंगी दुनिया जिसमें एक हॉलीवुड के एक्ट्रेस को ले आया। तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया का कवर पेज था कि पहली बार भोजपुरी सिनेमा में हॉलीवुड के एक्ट्रेस काम कर रहे हैं, मैंने ऐसे कुछ क्रांतिकारी हरकत किया था। ऐसे ही मैंने थोड़े दिन पहले एक फिल्म बनाई थी मैंने विदेशिया ना, हम सब देखो जो छोटे शहर से बड़े शहर में लोग आते हैं ये उनकी बात है कि जी। मैं आपको उसमें कुछ 5-6 लाइन सुनाना चाहूंगा कि विदेशिया से बन गई कि आधी रात को मेरे बंगले का लैंडलाइन टेलीफोन, मुंबई के मेरे बंगले का लैंडलाइन टेलीफोन सिंगल रिंगटोन देता है, घबराहट होती है, धड़कने बढ़ जाती है। आज से 15 साल पहले कैसे ही सुनाया था और मेरे बाबूजी नहीं रहे, आजकल मेरी 80 साल की भी माँ पटना में अकेले रहती हैं और मैं हर रात इस डर के साथ सोता हूँ कि एक ऐसा ही फोन आएगा और मेरी माँ नहीं रहेगी। मैं इतने पैसे कमाता हूँ कि मैं चाहूँ तो महीने में 3-4 बार फ्लाइट से पटना जाऊं और चला आऊं, पर जब जाने का सोचता हूँ कोई छूटने आती है और मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन में फंस जाता हूँ कि एक दिन जाने में, आने में 2 दिन वहां रहूंगा, भाई भतीजा नौकर चाकर चाचा चाची भाभी सब आस पास पड़ोस सबको गाय बकरी सब देखो, तो एक बार जाने में करीब 4 लाख रुपए खर्च होते हैं। तो मैं सोचता हूँ नेक्स्ट वीक में चला जाऊंगा और ये नेक्स्ट वीक के लिए 2 साल से नहीं आया है। 2 साल पहले मेरी भतीजी की शादी थी, मेरी माँ 5 तल्ला मकान पे सीढ़ियों से चढ़ जाती थी, आजकल वो बेड पे है, उसकी दवा भी मैं हूँ, डॉक्टर भी मैं हूँ, इलाज नहीं कर पाता हूँ, मैं हूँ विदेशिया माइग्रेटेड। तो ये फिल्म का सब्जेक्ट था मेरा, मैंने इस पे फिल्म बनाई थी और ये फिल्म भी मुझे बहुत इज्जत दिया, बहुत शोहरत दिया, इसकी वजह से मुझे कई अवार्ड मिले हैं, कई सम्मान मिले हैं, बेस्ट राइटर अवार्ड लिया मैंने, बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड लिया मैंने, इस बेस्ट फिल्म का अवार्ड लिया जी। इस फिल्म के लिए जी। वाओ सर, तो मैंने ओरिजिनल सिनेमा में वैसी ही फिल्म बनाता हूँ जो मेरे दिल को छूता है, जो मेरी कहानी हो जिसमें कहीं ना कहीं से मैं जुड़ा हूँ, तो मैं वो बना लेता हूँ। बीच बीच में सीरियल से थोड़ा ब्रेक लेके 2-3 महीने ये काम करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। ग्रेट सर, और बहुत ही अच्छी मूवीज बनाई है सर आपने। और अवार्ड की बात करें तो आपको दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है सर, 9 टाइम्स मतलब बेस्ट डायरेक्टर फॉर टीवी,
टीवी सीरियल कौन कौन से सीरियल जो सर आई थिंक मुझे लगता है नागिन के हनुमान के लिए मुझे जय हनुमान के लिए अवार्ड मिला मुझे मुझे महाभारत के लिए मिला रावण के लिए मिला रापा अवार्ड मैंने 3 बार लिया हैट्रिक लिया था मैंने और उसके अब बहुत सारे सम्मान मिले हैं मुझे अभी पिछले दिनों मुझे बागधारा सम्मान मिला नवरत्न सम्मान जो यहाँ के राज्यपाल से राज्यपाल भवन में ही राज्यपाल से मिला है अभी आने वाले 18 तारीख को भी एक अवार्ड मिलना है मुझे 24 अप्रैल को भी एक अवार्ड मिलेगा तो ऊपर वाले की मेहरबानी है कृपा है कि मैं काम करता हूँ उसके लिए नागिन के लिए मैं 3 अवार्ड ले चुका हूँ उसके अलावे बहुत सारे फिल्मों के लिए जो विदेशिया के लिए लिया मैंने तो उसे प्याबा के लिया मैंने फिरंगी दुल्हनिया के लिए लिया मैंने ऐसे बहुत सारे सम्मान मिले हैं बिहार में भी मुझे कला श्री की उपाधि मिली बहुत एक गिरी रजन स्मृति सम्मान भी मिला है ऐसे बहुत सारे अवार्ड मैंने इस तरह के लिए हैं वाओ सर ग्रेट और सर आपने थिएटर के लिए भी 22 अवार्ड लिए हैं सर हाँ जब मैं रंगमंच के साथ जुड़ा था तो ऑल इंडिया ड्रामा कंपटीशन में जाता था तो मेरा एक नाटक था बहुत चर्चित नाटक था लुट गए रंजन मियां नौटंकी वाले वो नाटक मैंने खुद लिखा था और मैंने अपनी कहानी ही उसमें बता दिया था कि थिएटर में मैं कैसे लुट गया तो मेरी स्थिति बड़ी हास्यास्पद हो गई थी और मैंने अपनी ही बात को ऐसे मजाकिया अंदाज में एक बड़ा ही गंभीर सच को मैं हंसी हंसी में खड़ा और लोगों ने उसको बहुत पसंद किया उस नाटक को लेके मैं जिस कॉम्पिटिशन में जाता था सारे अवार्ड लेता था मुझे याद है कि बनारस में एक गोकुल आर्ट थिएटर है बहुत फेमस जो जिन्होंने ऑल इंडिया ड्रामा कॉम्पिटिशन किया था जिसमें हिंदुस्तान से करीब करीब 80 नाटक आए थे और उसमें 18 अवार्ड थे 18 के 18 मैंने जीते थे वाओ सर हमारे पास स्थिति ऐसी थी कि मेरे पास पैसा नहीं था कि लौट के पटना जा सकूं बनारस से तो मेरे को जो 15,000 रुपये सम्मान के पैसे मिले थे वो 15,000 मैंने सारे एक्टर्स को बांट दिया कि थोड़ा सा तुम लोग कर लो बनारस आए हो तो और मेरे जो अवार्ड 18 मिले थे उसमें से 6 अवार्ड मैंने वहीं पे बेच दिया और उसके पैसे से मैंने टिकट निकाला ट्रेन का और पूरी यूनिट को लेके वापिस आया पटना क्योंकि मैं तो लुट गए रंजन मियां नौटंकी वाले था ना हम तो लुट गए थे बर्बाद हो गए थे मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा जी जी नहीं सर सच और सर आमिन जावेद फारूकी जी जुड़ी है जो कि बहुत ही टैलेंटेड लड़की है बहुत अच्छा गाती है तो वो कह रही है कि सर से आशीर्वाद आपसे आशीर्वाद लेना चाहेगी वो सर जरूर जरूर बिल्कुल कभी भी उनको बोलो कि मुझे संपर्क करें मैं हमेशा नए आर्टिस्ट के साथ नए लोगों के साथ और म्यूजिक संगीत तो मेरी कमजोरी है मैं सबके साथ जुड़ा रहता हूँ और मतलब मुंबई में कम से कम किसी बड़े एक्टर के पास मेरा नंबर शायद ना मिले लेकिन सारे स्ट्रगल के पास मेरा नंबर मिल जाएगा वाओ ग्रेट क्योंकि मुझे पता है सर आप बहुत ही हेल्पफुल हो आप सभी की हेल्प करते हो और सर आपकी सफलता का मूल मंत्र क्या है सर सच्चाई ज्यादा मुझे लगता है सच्चाई सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि आप ना मुझे नहीं पता सिनेमा क्या होता है मुझे नहीं पता हमने जरूर NSD से मैंने ट्रेनिंग ली है नेशनल स्कूल ड्रामा से मैं ग्रेजुएट हूँ डिजाइन और डायरेक्शन में मैंने कोर्स किया है मैंने प्रॉपर पढ़ाई भी डायरेक्शन में किया करियर भी डायरेक्शन में शुरू किया लेकिन जस्ट ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट नहीं है ट्रेनिंग भी चाहिए ट्रेनिंग से बहुत सारे फायदे होते हैं लेकिन सब यहाँ की बात है दिल की बात है कि आप कितनी सच्चाई से खुद को प्रेजेंट करते हैं आप खुद के साथ धोखा नहीं करते जो भी करना चाहते हैं वो करते हैं मजे लेते हैं आप मुझे नहीं पाई कि जैसे मैं कोई भी सिनेमा करता हूं उसका हीरो है तो वो हीरो कोई और नहीं मैं होता हूं हीरो मैं होता हूं हीरोइन है कोई हीरोइन भी कोई और नहीं वो मैं होता हूं फादर के रोल में भी मैं होता हूं मदर के रोल में भी मैं होता हूं मतलब फादर के रोल में कोई और नहीं मेरे फादर होते हैं
मदर के रोल में मेरी मदर होती है, भाई रोल में मेरा भाई, बीवी के रोल में मेरी बीवी, बच्चों के रोल में मेरे बच्चे होते हैं। मैं अपनी दुनिया को ही पोर्ट्रेट करता हूँ बार बार अलग अलग तरीके से। मुझे नहीं पता कि हनुमान जी कैसे थे, मैंने नहीं देखा है, लेकिन मेरी समझ जितनी थी कि मेरे अंदर जो मेरी चंचलता थी, मेरे अंदर जो भक्ति भावना थी हनुमान जी के लिए, मैंने उसको प्रेजेंट किया कि हनुमान जी क्या कर सकते हैं। तो हनुमान जी बहुत शैतानी भी करते थे, हनुमान जी बहुत सच्चाई की लड़ाई लड़ते थे और सेवा भाव से रहते थे, तो वो मेरे भावना है, मैंने उसको प्रेजेंट किया। अब रावण सीरियल मैंने किया, रावण भी मैं ही था, तो मैं रावण करने लगा, तो मुझे लगा कि रावण कौन होगा, तो मेरे अंदर एक 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 आदमी है जो बड़ा विरोधी है, छोटी छोटी बात का विरोध कर रहा है, जो क्रांतिकारी है, जो हर जगह खड़ा हो जाता है इनका नारा लेकर के, तो मुझे लगा कि मैं तो रावण, और मैं अपने आप को रावण खड़ा बना लिया। तो रावण की लड़ता है न्याय का विरोध करता है, न्याय की लड़ाई लड़ता है रावण। एक बहुत अच्छा, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैं प्योर फिजिक्स का स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई किया साइंस, तो मैं देखा कि रावण एक साइंटिस्ट था, रावण के अंदर रावण भी साइंस स्टूडेंट था, रावण साइंस पढ़ता था, वो भी एक लैब में पला बढ़ा है, उसके फादर विश्रवा एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उनका एक लैब था जहां उसने पुष्प विमान बनाया था। फिर मैं म्यूजिक का आदमी हूँ, मुझे ढोलक तबला हारमोनियम बजाना अच्छा लगता है, मैं खुद भी बजाता हूँ, तो मेरा रावण भी पक्का बजाता है, मेरा रावण भी म्यूजिशियन है, मेरा रावण गाना गाता है, मंत्र पढ़ता है, तो मैंने स्वयं को रावण में डाल दिया। नरेन झा गुजर गए बेचारे, मेरे बेच मित्र थे, उन्होंने रावण का रोल किया था, मैं उनको नमन करता हूँ जी। नरेन झा ने इतना बढ़िया काम किया था इस रोल में, पहली बार हमने रावण को इतना सुलझा हुआ, इतना समृद्ध, इतना पढ़ा लिखा, इतना ज्ञानी, इतना वैज्ञानिक दृष्टि वाला, इतना संगीतज्ञ, इतना बड़ा मर्मज्ञ साहित्य दिखाया। रावण जस्ट मजाकिया नहीं था, वो बड़े पेट वाला, बड़ी मूंछ वाला नहीं था। तो जब हम खुद को प्रेजेंट करेंगे, सच्चाई के साथ बोलेंगे, तो फिर मजा आएगा। मुझे ना, मैं जब ड्रामा स्कूल में पढ़ता था ना, मेरी बहुत रैगिंग हुई, कोई भी आता था तो मुझे बहुत चिढ़ाता था, बिहारी, बैकवर्ड, अनसिविलाइज, प्रिमिटिव, इंडस वैली, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, किसी लोग मजाक उड़ाते थे मेरा। तो मैंने ना अपने अपने बैकवर्डनेस को अपनी पूंजी बना लिया, मेरे पिछड़ेपन को ही मैंने इस्तेमाल करना शुरू किया। तो मैंने ना, जहां भी मैं कोई भी कैरेक्टर में होता हूँ ना, तो उसकी सादगी, उसके देसीपना, उसकी हरकतों ही मैं डालने की कोशिश करता हूँ, और वो बहुत अच्छा लगता है लोगों को। मैंने एक शो किया था अगले दिन में बिड़ा, तो उसमें ना मैंने पूरी पटना वाली भाषा को मैं डाल दिया, जैसे मैं पटना में बात करता था। और उसमें एक लड़की थी रतन राजपूत, तो वो ललिया का रोल में उसको मैं लाया, तो ललिया को मैंने एकदम पटनैया बना दिया, पटना वाला बना दिया। तो मैंने बड़ी सच्चाई से कैरेक्टर को प्रेजेंट किया, वो कैरेक्टर हिट हो गया, वो कैरेक्टर लोगों को अच्छा लगा। यस, तो सबसे बड़ी बात है कि आप, आपने कहा मूल मंत्र है वो है सच्चाई, अपना सच, अपना दरवाजा, अपनी खिड़की खोलना है, चारों तरफ कैसा दिखता है इम्पोर्टेंट नहीं है, हर चीज अच्छा होता है। मेरे ऊपर मैं सूट करता हूँ, आपके ऊपर आप सूट करते हो, तो मैं अपने अंदाज को बेचूंगा, दुनिया को पसंद आएगी, मुझे ऐसा लगता है, और इसी पे, इसी मंत्र पे मैं चल रहा हूँ। मैं किसी को हॉलीवुड के सिनेमा को कॉपी करना या कोई अंग्रेजी फिल्मों को उतारना, मेरा इसमें बिलीफ नहीं है। हो सकता है कि मैं ऑस्कर ना लूं, हो सकता है मैं फिल्म फेयर ना लूं, लेकिन जो सिनेमा बनाऊंगा वो मेरा होगा, उसमें मैं दिखूंगा। वाह सर, ग्रेट। और सर आपने तो दिखा भी दिया है सर, इतने हिट सीरियल दिए है सर, कोई भी जिस पे भी आपने काम किया है वो सुपर हिट सीरियल रहा है सर। आप तो हिस्ट्री क्रिएट करने वाले हो सर, आपकी जो सादगी है और जिस तरह से आप जी, सीरियल हिट होने में बहुत सारी चीज मायने रखती है। देखिए, एक बड़ी चीज तो हमारा जो सबसे बड़ी चीज है वो है मेरा राइटर, जो एक बढ़िया सब्जेक्ट लेके आता है। तो सबसे पहला सलाम तो मैं राइटर को करता हूँ, एक बढ़िया सब्जेक्ट, मैं सौभाग्यशाली हूँ, मुझे कई
कई बार ज्यादातर मुझे बढ़िया सब्जेक्ट मिला। मेरी क्रिएटिव टीम पे बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि दुनिया बदल गई है। जब एक टाइम में मैं काम करता था तो वन मैन शो होता था, एक डायरेक्टर होता था, एक राइटर होता था, प्रोड्यूसर था। आज वैसा नहीं है, आज कॉर्पोरेट वर्ल्ड है तो बहुत सारे लोग अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं और सब कुछ जुड़ना होता है, मिलना होता है, सबको एक सोच पे एक धारा में आके बहना होता है। क्रिएटिव टीम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो वो चीजों को राइटर से क्रिएट करवा लेके आना और डायरेक्टर तक नरेट करके पहुंचाना, डायरेक्टर के भीतर उसको कनेक्ट करना। फिर मेरा काम होता है एक्टर्स के साथ उस सब्जेक्ट पे काम करके और एक्टर के अंदर उस सच को उजागर करना, सही दिखाना जो सच्चा लगे। तो ये पूरा एक टीम वर्क है, अकेला मेरा काम नहीं होता। हाँ, जिम्मेदारी भी बहुत हो जाती है, क्योंकि फाइनल रिजल्ट मेरे कंधे पे है। राइटर बहुत अच्छा लिखेगा, लेकिन अगर मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, शूटिंग में उस स्पेस को तोड़ दिया या उस मुद्दे को अटका दिया, तो वो फ्लॉप हो जाएगा। तो मेरा काम बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन केवल मेरा इम्पोर्टेंट है ऐसा नहीं है, सबका है। सबकी मिली जुली ताकत है जिसपे एक शो चलता है और बढ़िया चलता है। जैसे बालाजी के शो में सबसे बड़ी आत्मा हमारी एकता होती है, जो हर दिन कुछ नया सोचती है। और सबसे बड़ी बात है कि वो 15-15 शो एक साथ करती है और हर सीरियल को कुछ ना कुछ अपना इनपुट देती रहती है। तो काश मैं भी वैसा हो जाऊं और उसकी तरह सोचने लगूं। मैं हमेशा उस सामने कॉम्प्लेक्स में रहता हूं कि यार मैं ऐसा क्यों नहीं बन पाता हूं। सर आप हो ऐसे, तभी तो आप एकता मैम के साथ जुड़े हो। जी ये तो है, मैं उनकी सोच में सोच उन काफी मिलती है, इसलिए वो मुझे काफी इज्जत देती है। जी क्योंकि आप एकता मैम के हर सीरियल में काम कर रहे हो, तभी आप जुड़े हो, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आप में स्पेशलिटी देखी होगी सर उन्होंने। तभी जितने भी एकता मैम के सीरियल्स होते हैं उन सब में आप काम करते हो, और हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है सर, और आपकी इतनी अच्छी थिंकिंग है। सैल्यूट करती हूँ सर आपकी थिंकिंग को, और हमारी जो ऑडियंस है वो भी अप्रिशिएट कर रही है। थैंक यू सो मच एवरीवन। और सर आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में मैं जानना चाहूंगी। ड्रीम प्रोजेक्ट तो मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ मेरा एक मेरी चाहत है, मेरी इच्छा है। नहीं कितना सक्सेस कर पाऊंगा मैं मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तो मैं फुल फ्लेज डायरेक्टर हूँ और मुझे इसी काम में मजा आता है। इनफैक्ट डायरेक्शन के अलावा दूसरा काम भी आता नहीं, तो एक्शन और कट के बीच में ही जीना चाहता हूँ। जब तक जीऊंगा तब तक जीऊंगा। हाँ जिस दिन मैं डायरेक्शन से रिटायरमेंट ले लूं शायद, या मैं रिटायर हो जाऊं, तो मैं सोचता हूँ कि मैं क्या करूंगा। मैंने कई बार इस विषय पे सोचा है, तो मैं ना एक मेरे मन में है, ये मेरी कल्पना है, मैंने कहीं सुना था कहीं पढ़ा था, मैं ना एक ह्यूमन लाइब्रेरी बनना चाहता हूँ। एक ऐसी लाइब्रेरी जैसे जिसे आदमी कोई भी सवाल करे और उसका जवाब उसके पास तैयार हो। मुझे ना अलग अलग विधाओं में अलग अलग सब्जेक्ट में बहुत रुचि है, और मैं पढ़ने में आज भी बिलीव करता हूँ। मैं आज भी रात को एक आध घंटे पढ़ाई करता हूँ, कोई भी सब्जेक्ट हो। मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, मैं आर्ट्स भी पढ़ता हूँ, इकोनॉमिक्स भी पढ़ता हूँ, मैं मेडिकल साइंस में भी रिसर्च करता रहता हूँ, पढ़ाई करता रहता हूँ। मैं फोक सॉन्ग, लोक संगीत, म्यूजिक, स्क्रिप्ट राइटिंग, अलग अलग विधाओं में आर्ट, कल्चर, पेंटिंग सबसे जुड़ा रहता हूँ, और मैं सबके बारे में थोड़ा पढ़ता रहता हूँ। तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में समय इतना टफ होता जाएगा कि लोगों के पास पढ़ने का इतना टाइम नहीं होगा। जैसे आप जैसे लोग या और भी लोग जो सेलिब्रिटी हैं, जिनको कोई प्रोजेक्ट करना है और या किसी प्रोजेक्ट पे रिसर्च करना है या काम करना है, फॉर एग्जांपल आप कोई भी कैरेक्टर ले लो कि आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपको जानना है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपको पढ़ने में शायद 2-4-5 महीने लग जाए पढ़ाई करने, और आपके पास 5 महीने का टाइम नहीं है, तो आपको मेरे से मिलना होगा, मेरा अपॉइंटमेंट लेना होगा, और मैं कहीं कॉफी शॉप पे या कहीं पे अच्छे गार्डन में मिलूंगा, और जिस
जहाँ पे आप मेरे से मिलोगे, मैं दो घंटे या एक घंटे वो टाइमिंग फिक्स होगा, उतनी देर में मैं अपने जीवन के पिछले 50-60 साल का जो एक्सपीरियंस है, जो पढ़ाई है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और आपको अपॉइंटमेंट 48 घंटे पहले लेना होगा मेरे से, ताकि उस 48 घंटे में अगर मेरे में थोड़ी बहुत कमी है या मैं कुछ कम पढ़ाऊं, मैं उस 48 घंटे में फटाफट पढ़ के तैयार हो जाऊंगा, ताकि जब आप मेरे से मिलो तो मैं आपको उस टॉपिक पे बढ़िया शेयर कर सकूं, बढ़िया बात बता सकूं, और घंटे दो घंटे में 50 साल की पढ़ाई मैं आपको आपके दिमाग में भर दूं, एक स्टोरी की तरह सुनाऊं, और आपको बड़ा मजा आए। और आप तो जो, जैसे आप बुक पढ़ोगे तो शायद बोर हो जाओगे, लेकिन मैं जो किसी कैरेक्टर के बारे में आपको बताऊंगा तो बड़ा एंटरटेनिंग होगा, उसमें रिश्तेदारी होगी, उसमें एक रिलेशन होगा, एक नरेशन होगा, एक पूरा एक मूवमेंट होगा, एक ट्रांसपोर्टेशन होगा, वो बड़ा मजा आएगा आपको सुनने में। और टॉपिक कोई भी आप चुन सकते हो। तो मैं ऐसा लाइब्रेरी बनना चाहता हूँ, ह्यूमन लाइब्रेरी, जो जब मैं बूढ़ा हो जाऊं तो मेरे से मिलने लोग दुनिया के हर कोने से आए और किसी भी टॉपिक पे बात करें, और मैं बड़ी बेबाकी से, बड़ी सच्चाई के साथ कन्फेस करते हुए मैं उनको बताऊं कि इसमें क्या था। कुछ भी, कोई भी सवाल हो सकता है, पर्सनल हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हिप्नोटिज्म पे आप बात कर सकते हो, एनी सब्जेक्ट। मुझे बहुत मजा आता है इस काम में, पढ़ने में और पढ़ाने में। वाओ सर, थैंक यू सो मच सर, और बहुत ही अच्छा ड्रीम है सर। हम सभी आपसे मिलेंगे, वैसे तो हम आपके फैन हो गए हैं सर। थैंक यू। तो और बहुत ही अच्छा लग रहा है, और जो हमारे साथ ऑडियंस जुड़े हैं उनको भी मैं थैंक यू कहना चाहूंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। और सर हम ये भी जानना चाहेंगे, एक अच्छा एक्टर, क्योंकि सभी कोई ना कोई मतलब सभी चाहते कि हम मुंबई आए, एक्टर बने, तो हमें कुछ टिप्स दीजिए सर, जो एक अच्छा एक्टर बनने की क्या क्वालिटी होनी चाहिए। ये इस पे मैं पिछले बार भी कई बार बोलता रहा हूँ, अभी भी मैं पीछे भी बोलता रहा हूँ। मैंने कहा ना कि एक्टिंग का कोई फॉर्मूला तो मैं नहीं बता सकता, बस इतना ही कहूंगा जी कि जैसे मैं किसी एक्टर को कास्ट करता हूँ, मैं किसी एक्टर को बुलाता हूँ कि देख भाई तू इस रोल में के लिए तू है, और मेरे को उसके अंदर वो कैरेक्टर दिखाई देता है। और वो एक्टर क्या करता है ना कि वो आता है और वो उस कैरेक्टर को ढूंढने में वो खुद को खो देता है, वो कैरेक्टराइजेशन में इतना खो जाता है, इतना सीरियस हो जाता है कि वो अपने आप को छोड़ देता है और किसी दूसरी दुनिया में चला जाता है। जबकि अगर मैंने सलमान खान को कास्ट किया तो मुझे सलमान खान में सलमान खान चाहिए ना, अगर मैंने शाहरुख खान को कास्ट किया तो शाहरुख खान चाहिए ना। शाहरुख खान में अशोका दिखता है तो हमें अशोका फिल्म आएगी, ठीक है, तो अशोका में शाहरुख खान एज शाहरुख खान है। अब शाहरुख खान अशोका को ढूंढने लगे तो शाहरुख खान की अपनी जो पहचान है वो खो जाएगी। तो मैं हर एक्टर को ये बताना चाहता हूं कि जो तुम हो, जैसा भी तुम्हारा डेवलपमेंट है, खुद को वैसा ही प्रेजेंट रहो। तुम्हारी स्माइल तेरे शक्ल पे शूट करेगा, तुम्हारी मेरी आवाज मेरी शक्ल पे शूट कर रहा है ना, मेरी शक्ल पे शूट करेगा ना। मैं सलमान खान आपकी तरह बोलना शुरू करूं तो आपको नहीं लगेगा पागल हो गया है, मैं मिमिक्री कर रहा हूं। तो सबसे बड़ा एक्टिंग का फॉर्मूला यही है कि आप खुद को प्रेजेंट करें, आप जिंदगी में कैसे हो, कितनी सच्चाई से बोलते हो, कितना फील करके बोलते हो, कैसे छोटी छोटी बातों को बात शेयर करते हो। आप अभी भी बात कर रहे थे, बड़े नेचुरल थे, और जैसे ही मैंने कहा डायलॉग वैसे ही आप थोड़े से खड़े हो गए और स्टिफनेस आ गई, और थोड़ा ये पॉज लूंगा, ये एम्फेसिस दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा और बेस बढ़ाऊंगा, टेक्निकल इतने हो गए कि आपका सच खो गया। टेक्निक बहुत सेकेंडरी है, प्राइमरी है जी आपका सच, आपका सच, आप सत्य हो, जिस जैसे भी हो वैसे सुंदर दिखोगे और फिर आप ही सुंदर दिखने लगोगे। आपको याद होगा सुनील शेट्टी जब फिल्म इंडस्ट्री में आए थे ना,
तो मेरे कई दोस्तों ने कहा यार ये क्या लगा है, चोट लगता है तो चलेगा नहीं। जब शुरुआती दौर की उनकी शक्ल देखो, सुनील शेट्टी स्टार बने, सुपरस्टार, जिस फिल्म पे यहां तक का वो फेवरेट हो गई। अजय देवगन साहब को लो, जब शुरुआती दौर में आए थे कैसे दिखते थे, कितने बड़े स्टार हो गए, वो आइकॉन हो गए जी। क्यों? क्योंकि वो खुद को प्रेजेंट करने लगे, अपना सच कर रहे थे। तो इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप एक्टिंग कैसा करो, ये नहीं, आपके आपका अंदाज क्या है, आपका अंदाज बिकेगा। अगर आप सच्चाई के साथ बात करोगे ना, तो आपके आप हर आदमी की शक्ल में ना एक स्पेशलिटी होती है, हर आदमी के भीतर ना कुछ खासियत होती है, और वो जब निकलने लगता है ना, तो लोग लो, आप दिल कुछ बोलोगे ना, तो आपकी शक्ल पे एक छोटी सी स्माइल आ जाएगी, आपको अपने आप, आपके गाल पे पिंपल ना आते होंगे, लेकिन अपने आप आने लगता है, पता है, और फिर वो सब अच्छा लगने लगता है, फिर आप बहुत सुंदर लगने लगते हैं। जैसे किसी जैसे हर माँ को अपना बेटा कैसे सुंदर लगता है, माँ अपने बेटे को कहती है मेरा बेटा तो कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान की तरह उसको प्यार करती है, तो वैसे ही ऑडियंस भी धीरे धीरे आपसे प्यार करने लगेगी, और फिर आपकी हर हर हरकत की दीवानी हो जाएगी। तो एक्टिंग का एकमात्र मूल मंत्र है सच्चाई, रियलिज्म, आपका सच, फेंकिए मत, बनने की कोशिश मत कीजिए, किसी और का चादर मत तोड़िए, खोलिए अपने दरवाजे, अपनी खिड़कियां खोलिए और अपना अंदाज देखिए। सच्चिदानंद सर, आपको सच में हीरे की परख आप में है, यहाँ पे शशि जी भी लिख रहे हैं हीरे की परख है आपको सर। और मैं सबसे पहले तो संजय सर को थैंक यू कहना चाहूंगी, संजय सर और निशी मैम को, जिन्होंने आज आपसे मिलवाया है सर, मैं उनको थैंक यू कहना चाहूंगी जी। और आज आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है सर, आपसे जो अमृत मिला है हमें, मतलब हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है, जो हमारे ऑडियंस जुड़े हैं उनके लिए भी, क्योंकि आपने ऐसा कुछ बताया है हमें, क्योंकि हम लाइफ टाइम उसको अगर माइंड में रखेंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल जी। और सर और क्या क्या करते हो आप इसके अलावा, क्योंकि ये प्रोफेशनल बातें थी, और पर्सनल लाइफ में क्या क्या करते हो सर, कितनी मस्तियां करते हो आप? मैं तो बहुत मस्ती करता हूँ, मैं ना बहुत सारा काम करता हूँ, आपको क्या बताऊँ। छुट्टी आज मेरी छुट्टी नहीं होती, मैं रोज ही कुछ ना कुछ नया पैट हूँ। मेरे कई दोस्त हैं, मेरे क्लासमेट्स हैं, स्कूलमेट्स हैं, किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है ना, तो रात को 12 बजे 2 बजे भी मुझे फोन करता है। और एक तो मैं थोड़ा हंसाने का भी काम करता हूँ, थोड़ा जैसे बहुत परेशान है, कुछ परेशानी है उसको जिंदगी में, तो मैं थोड़ा जोक वोक सुना के और मस्ती करके थोड़ा उसको हंसाता हूँ, ताकि वो थोड़ा रिलैक्स जाए, ये काम भी करता हूँ जी। तो बीमार पड़ गया तो मैं ना थोड़ा मेडिकल साइंस की पढ़ाई कर रखी है, तो एक तो मेरे फादर भी डॉक्टर थे, क्लिनिक था घर पे, तो बस दवाइयां मैं सीख गया था, इंजेक्शन वगैरह भी मैं दे लेता हूँ, तो हालांकि देता नहीं हूँ लेकिन मैं जानता सब कुछ हूँ। तो मैं कोई बीमार पड़ गया, अभी कोरोना का टाइम है तो किसी को कोरोना हो गया तो टेस्ट कहाँ कराना है, क्या कौन सी दवा लेनी है, पहला इलाज तो मैं ही कर देता हूँ उनको, मैं कि चलो मल्टी विटामिन लेना शुरू कर दो, विटामिन सी लेना चालू कर दो, या फिर कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह दे करके स्टार्ट करवा देता हूँ फर्स्ट ट्रीटमेंट। उसके बाद मेरे बहुत सारे डॉक्टर मित्र हैं, उनसे उनकी बात करवा देता हूँ, तो ये सोशल वर्क भी मैं करता रहता हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है। अगर कोई मेरा दोस्त है, हो सकता है अभी उसकी गर्लफ्रेंड के साथ उसका झगड़ा हो गया, या उसकी बीवी से उसका झगड़ा हो गया, दोनों अलग हो गए, बात तलाक तक पहुंच गई, तो मैं ना कोई ये काम भी करता हूँ, दोनों को अपने पे बुलाता हूँ, थोड़ा ब्रेन वॉश करता हूँ, दोनों को सॉरी वॉरी करवाता हूँ, फिर दोनों के देश दूर करके और फिर से जोड़ने की कोशिश करता हूँ। तो कभी कभी ऐसी मस्ती भी करता रहता हूँ मैं, जो मुझे बड़ा मजा आता है ऐसा करने में, बहुत सारे रिश्तों को बनाने की कोशिश करता हूँ, तो अच्छा लगता है। मैंने बहुत सारी शादियां कराई है, बहुत सारे लोगों की शादी करवा दी, जोड़े मिलवा दिए, मुझे अच्छा लगता है ये काम करना।
कि मुझे मुझे लगता है हर आदमी को शादी करनी चाहिए, मुझे कि मुझे मैं, मैं, मैंने शादी की है और मुझे शादी करके बड़ा अच्छा लगा और मुझे शादी करके बड़ा मतलब मैं पॉजिटिव फील किया और मेरी लाइफ में बहुत सारे अच्छे अच्छी चीजें हुई शादी के बाद। तो मुझे लगता है कि हर आदमी में शादी के बाद शायद अच्छी चीजें होंगी, तो शादी के बिना बहुत सारी चीजें बंद ही रहती है, सब खुल जाती है, ऐसा मेरा मानना है। वाव सर। तो मैं कहता कोई कारण ना रहे हर आदमी शादी करे। जी जी। और वाव सर ग्रेट। देखो मैं बोला मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ, मैं घर का बिजली बना लेता हूँ, मैं प्लम्बिंग काम जानता हूँ, मैं मेरी गाड़ी खराब होती है तो उसको भी 80% मैं ठीक खुद ही कर लेता हूँ, घर में पेंटिंग वेंटिंग भी कर लेता हूँ, जरूरत पड़ता है तो मतलब हर काम में थोड़ा थोड़ा सारा टूल मशीन मैं घर पे खुद ही रखता हूँ, अंग्रेजों से मैंने सीखा है कि अपना काम खुद करो। हाँ बड़ा ज्यादा होता है तो फिर बाहर वालों को बुलाता हूँ, लेकिन छोटा मोटा हो तो मैं खुद ही कर लेता हूँ। जैसे कल ही मैंने अपने कमरे में पर्दे के लिए हुक लगाना था तो ड्रिल मशीन निकाला, होल किया और वो ड्रिल मशीन से पर्दे का डंडा वंडा लगा के उसमें पर्दे लगा दिया। तो ऐसा काम छोटा मोटा काम खुद ही कर लेते हैं, और कोई मशीन खराब हो गया घर में तो उसको ठीक कर लेता हूँ, कभी कभी ठीक करने में खराब भी हो जाता है, ऐसा नहीं है, कभी कभी हो जाता है, लेकिन 90% सक्सेस पाता हूँ, कुछ कुछ छूट भी जाता है। तो ऐसी भी करता हूँ, मुझे 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 फ्लूट बजाना पसंद है, मैं मेलोडिया बजाता हूँ, हारमोनियम बजाता हूँ, ढोलक बजाता हूँ, मेरे बहुत सारे मित्र हैं, मैं लोक संगीत में मेरी बड़ी रुचि है, आजकल मैं महेंद्र मिश्र एक बिहार के बहुत ही चर्चित कलाकार हैं जिनपे मैं काम कर रहा हूँ, बायोपिक पे काम, तो बहुत बड़े लोक संगीत पूर्वी एक हमारे यहाँ परंपरा है, पूर्वी बोलते हैं, उसके फादर कहे जाते हैं, जनक कहे जाते हैं, उन्होंने शुरुआत की थी और उनकी उनके गानों को गागा के शारदा सिन्हा जी को पद्मश्री का अवार्ड मिल गया, भिखारी ठाकुर को पद्मश्री का अवार्ड मिला, ये सबको कहीं ना कहीं से महेंद्र मिश्र की वजह से बिहार के कम 8-10 लोगों को पद्मश्री मिल चुका है और उस आदमी को कुछ नहीं मिला जिसने जो एक स्वतंत्रता सेनानी था, जो एक बहुत बड़ा बड़ी लड़ाई लड़ी, जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी और उन्होंने चोरी से नोट छापते थे और सारे क्रांतिकारियों को पहुंचाते थे, मैं उनपे काम कर रहा हूँ, उनके गांव पे रिसर्च कर रहा हूँ, उनके संगीत पे काम कर रहा हूँ। अभी 2-3 दिन पहले ही भोजपुरी के एक बेहतरीन एक्टर हीरो हैं विद्यनेश लाल यादव, निवा नाम से जाने जाते हैं, मेरे घर आए थे और उनके साथ हम लोग 1.5 घंटे तक महेंद्र मिश्र के गान पे काम करते रहे। अगर आपने कभी सुना हो तो, जो लोग यूपी बिहार में उनको ज्यादा पता है उनके बारे में। जी 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 जी। वाव सर ग्रेट ग्रेट सर। और सच में सर आज बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके, और आपको जो आपने अमृत दिया है हमें उसके लिए थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और जाते जाते क्या मैसेज देना चाहोगे सर हमारे ऑडियंस को? मैसेज क्या दूं मैं तो सब कुछ बोल चुका, मैं बहुत खोल खुल के बात करता हूँ, कभी छुप के तो नहीं बोला मैं, बस एक ही मुझे लगता है कि हर आदमी को अपनी सच्चाई के साथ हर जगह पेश आना चाहिए, शायद थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, सच के साथ जीना थोड़ा मुश्किल होता है, झूठ के साथ जीना थोड़ा आसान होता है, लेकिन सच के साथ जो लोग जीते हैं वो सक्सेस पाते हैं और वो बहुत कामयाब होते हैं, ऐसा मेरा मानना है। चाहे आप किसी भी लाइफ में, अपनी फैमिली में, अपनी बीवी के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, सबके साथ आप सच बोलना सीखो, कभी कभी कन्फेस करो, कभी कुछ गलती कर जाते हो ना, कोई अपराध भी हो जाए ना तो उसका कन्फेशन करो, आप सच बोलो, तो कभी कभी आप सच बोल दोगे तो आपकी गलतियां भी माफ करी जाएगी। बहुत सारी बातों को छुपा लेते हैं और सोचते हैं कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन वो छुपाना बहुत टफ है, क्योंकि आपके अंदर कुंठा बनती जाती है और एक बीमारी की तरह अंदर बनती जाती है और वो कभी कैंसर बन के निकलता है, कभी हार्ट अटैक करके निकलता है, बहुत सारी चीजों के साथ बीमारी बन के निकलती है। जब आप सच बोलने लगेंगे ना तो आपकी इम्यूनिटी लेवल बढ़ जाएगी, आपकी ताकत बढ़ जाएगी, हिम्मत बढ़ जाएगा, लोग 10 लोग शायद दुश्मन भी बनेंगे लेकिन 100 लोग प्यार करने वाले होंगे,
तो 10 दुश्मन कोई बुरा नहीं है, 100 लोग अगर प्यार करने वाले हैं तो मुझे लगता है सच बोलो जितना सच बोल सकते वो डालो। लेकिन सच का मतलब ये नहीं कि बेवजह कुछ कड़वा सच बोलते रहो, हाँ लेकिन जरूरत है तो बोलो। कभी कभी ना हम मालूम है अपने आप को बहुत बांटते हैं, जैसे आपने आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने, अपने सुंदर कपड़े पहने, और मुझे कई बार मन किया कि मैं बोलूं कि यार तूने कितना सुंदर कपड़ा पहना है, लेकिन बोल नहीं पाते हैं, सोचते पता नहीं क्या सोचेगा, सामने वाले को कैसा लगेगा, नहीं बोल बोल डालो, बोल दो, आप बोलो तो कि अच्छा लगे तो बोल दो ना, उनको अच्छा लगता है। हम लोग ना संकोची प्रवृत्ति के लोग हैं, हम लोग बहुत संकोच करते हैं, और खास करके हम जैसे लोग जो बिहार से आते हैं, ये छोटे शहर से आते हैं, वो तो इतने एक्सप्रेशन लेस होते हैं ना कि अपनी बात कह भी नहीं पाते, कह ही नहीं पाते, और इसी चक्कर में जिंदगी निकल जाती है। तो कह देना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सामने वाली खिड़की पर कहती थी 7 साल से निहार रहे थे, 7 शब्द ना बोल पाए, एक्सप्रेस नहीं कर पाए, और किसी और की हो गई चली गई, अरे बोल दिया होता तो शायद हो जाता, बोल ही ना राइट, तो बोल डालो बोल डालो, जो कभी अच्छा लगता है ना उसको बोल दो, शायद सामने वाला इनकार करे कोई बात नहीं, अगर अच्छा लगता है सामने वाले का मेकअप अच्छा लगा तो बोल दो ना, सामने वाले का अच्छा लगता है, घर अच्छा लगता है, अच्छा लगे तो बोलो, सामने वाले को भी अच्छा लगेगा। राइट सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच एंड सैल्यूट टू यू सर, बहुत ही अच्छा लगा, और आपने जो अपना कीमती टाइम हमें दिया और जो इतनी नॉलेज हमें दी, थैंक यू सो मच सर, इट मीन्स अ लॉट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर, बहुत ही अच्छा लगा सर, थैंक यू सो मच। आपके सारे दर्शकों को भी प्रणाम, सबको प्रणाम, और जब भी कोई भी चाहे तो मेरे से कभी संपर्क कर सकते हैं, एनी टाइम कभी भी मैं उपलब्ध हूँ। जी सर, श्योर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच एवरीवन, और जो हमारी मूवी है वो मेरी स्टूडेंट है, उसका पार्ट मैं भी हूँ, और उसका ट्रेलर आ चुका है, तो मैं एक थोड़ी सी झलक दिखलाना चाहूंगी आप सभी से। मुझे मर्दों से सख्त नफरत है, मैं कभी शादी नहीं करूंगी। सर मैं यही सोच रही हूँ कि इसकी आपको क्या जरूरत है, हमको तो पता है कैसी कैसी जगह पे प्रोग्राम करने जाना पड़ता है आत्मसुरक्षा के लिए। जी हाँ, और जल्द ही रिलीज होने वाली है वो मेरी स्टूडेंट, और मैं भी इस मूवी का पार्ट हूँ, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, और इसी तरह से देखते रहिए द आरडीडी शो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, आप भी कोशिश कीजिए, खुश रहिए, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ। क्यों तरसता है तू बंदे, जल्द ही बदलेगा मंजर, झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के अंदर, तुझ में भी वो औकात है, तेरी भी औकात है, लेके सूरज से आग आग आए जा अपना राग राग, आशा आशा कुछ ऐसा करके दिखा, खुद खुश हो जाए खुदा, आशाएं मिले की, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं।